चलो उठो आगे बढ़ो जल्दी। मैं इस छोटे इजरायली को अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेरी शराब लाने के लिए एक अच्छी दासी बनेगी। इतनी छोटी सी कि ना दिखाई दे ना सुनाई दे। तुम एक नौकर के लायक नहीं हो। इसे मैं तुम्हारे हाथों से ले लूंगा। इसे मुझे वापस दो। मुझे दो। उसे जाने दो। सेनापति अपने आदमियों के पास वापस जाओ। तुम मेरे साथ आओ, तुम सुरक्षित रहोगे। क्योंकि इस गेम का केवल सीमित संख्या में डाउनलोड उपलब्ध है। इसका नाम है Zombies of the Apocalypse। मेरा फोन। जॉय, मुझे तुम्हारा फोन लेना पड़ेगा। क्रिस, मैं गर्ल्स वॉलंटियर क्लब को संदेश भेज रही थी। हाँ, और वो संसार को बर्बाद कर देने वाले ज़ॉम्बीज के झुंड से बचाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अरे हाँ, और पहले 100 रजिस्टर करने वालों को दर्जन भर डरावनी ज़ॉम्बी रिंगटोन्स मिलेंगी। बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, अब मुझे दो। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। किसान में अभी 1000 फ्री पॉइंट स्कोर कर सकते हैं यदि हम अगले 5 मिनट में गेम डाउनलोड कर ले तो। सपना देखो क्रिस, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ऑफ द एपोकलिप्स खेलने की इजाजत नहीं देते। स्कैन मिटा दिया। जॉय सही है। हाँ वैसे भी शायद ये अच्छी बात है। मुझे नहीं पता अगर असल में ज़ॉम्बीज़ मेरे सामने आ गए तो मैं क्या करूँगा। चाहे मेरे पास लाइटनिंग लेजर डिस्क हो, सुपर स्लाइम रॉकेट्स या 1000 फ्री एंटी रॉट पावर पॉइंट्स हो। इस सेमेस्टर मैं गर्ल्स वॉलंटियर क्लब की इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं लड़कियों को वैलेव्यू फूड पैंट्री में शनिवार को काम करने के लिए बुला रही हूँ। मैंने लगभग 100 लोगों से डोनेशन जमा किए हैं जो 3 लोकल सुपर मार्केट्स और 2 फार्म स्टैंड्स में बंद है। फिर मैं 20 पोस्टर्स बनाने वाली हूँ और घर घर में 100 फ्लायर्स ले जाने वाली हूँ। और अब पैंट्री में 12 बजे की शिफ्ट में काम करने वाला कोई नहीं है। शायद पूरे दिन का सबसे व्यस्ततम समय है। तुम खुद क्यों नहीं करती? मैं सब कुछ कर रही हूँ। ये पूरा भोजन अभियान मेरे बगैर बिखर जाएगा। दोपहर 12 की शिफ्ट कोई नहीं। सुपर बुक। नहीं सुपर बुक, रुको, मेरे वॉलंटियर क्लब का क्या होगा? मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाने ले जा रहा हूँ जिसने एक ऐसे व्यक्ति से नम्रता सीखी जिससे उसने उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों, हम किसी के घर के अंदर उतरे हैं। किस? रीडिंग ले लो। इससे पहले कि हमें पूरा विस्तार से बताना पड़े, हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। मेरे जियो सेंसर्स के अनुसार हम आराम में उतरे हैं और साल है लगभग 850 ईसा पूर्व। नौकरों, क्या तुम हो? मेज पर से मेरे कपड़े ले आओ। दोस्तों, ये क्या है? हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वापस आओ। अब हम क्या करने वाले हैं? हमें कुछ मैं नहीं चाहता। हम क्या करने वाले हैं? दोस्तों, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। दोस्तों, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैं जीना चाहता हूँ। क्या? Go, 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 go
हेलो, क्या तुम मेरे मालिक के नए नौकर हो? हम यहाँ नए हैं, हम अभी पहुँचे हैं। हाँ, ज़ॉम्बीज के देश में, और अब जाने का समय है। चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। नामान और उसकी पत्नी बहुत दयालु लोग हैं। लेकिन किस तरह के लोग हैं? डरावने, बहते जख्मों, झुलसी त्वचा के प्रकार के लोग? तुमने हमारे मालिक के रोग के बारे में सुना है? क्या कहा तुमने? हम अभी अभी ज़ॉम्बी टाउन में आके गिरे हैं। किस? क्या तुम चुप रहोगे? मेरा मालिक साहसी बलवान पुरुष है, अपने राजा की सेना का सेनापति है, और उसने बड़े खतरे के समय में मेरी रक्षा की। लेकिन अब वो कोढ़ के कारण अपंग हो गया है। कोढ़ क्या है? जब तुम तैयार होंगे तब मैं यहाँ आऊंगी। हमने वही देखा था, और इसका मतलब है नामान एक ज़ॉम्बी नहीं है। कोड की जानकारी स्कैन करो। वाओ, उसे ये भयानक त्वचा रोग है। और मेरी फाइल के अनुसार यहाँ 850 ईसा पूर्व में कोड का कोई इलाज नहीं है। मेरे पास कम समय है। ऐसी चीजों के बारे में बात मत करो। मैंने दसियों हजारों आदमियों का अनगिनत युद्धों में आराम की विजय के लिए नेतृत्व किया है, फिर भी अपने पूरे धन और शक्ति से इस अदृश्य शत्रु के विरुद्ध जो ये कर रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि मैं उन्हें छू भी नहीं सकता जिन्हें मैं प्रेम करता हूं। शायद कुछ हो सके। जो मेरा स्वामी शैमरॉन के भविष्य वक्ता के पास होता तो वो उसको कोड़ से चंगा कर देता। क्या है बच्ची? तुमने ऐसा क्या कहा जिसने मेरी पत्नी को चौंका दिया? ये कहती है कि उसके लोगों में एक भविष्य वक्ता है जो कोड़ चंगा कर सकता है। मेरे सैनिकों ने तुम्हारे देश पर हमला करके तुम्हें तुम्हारे लोगों से ले लिया, फिर भी जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि उस सब के बावजूद भी जो तुम्हारे साथ हुआ तुम कैसे मेरी सेवा करती हो, मैं उससे प्रभावित हूँ। लेकिन मेरे साथ भविष्यवक्ताओं और शोमरोन में इलाज के विषय में बात ना करो जब तक कि तुम बिना किसी शक के ये जानती हो ये चीजें वास्तव में हैं। मेरा परमेश्वर असली है। वो शत्रु की सीमा में एक भविष्यवक्ता की खोज में मीलों यात्रा करना चाहता है। हम देखेंगे कि राजा एक इजरायली नौकर लड़की की इस खबर पर क्या सोचता है। तो इजराइल की ये लड़की मुझे बताती है कि वहाँ उसके लोगों के बीच एक भविष्यवक्ता है जो कोढ़ियों को चंगा कर सकता है। इजराइली हमारे शत्रु रहे हैं, फिर भी नाम तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सेनापति हो। देखते हैं ये खबर असली है कि नहीं। मैं तुम्हें राजा के नाम एक पत्र लिख कर दूंगा, लेकिन हमारे देवता रिमोन के उत्सव के लिए समय पर लौटना। वह शक्ति का देवता है। दिन निकलने से पहले चलना चाहिए। तुम चार गधों पर 10 की कार चांदी बांधो। तुम और तुम 6000 टुकड़े सोना उस पर बांधो। ये तरीका है कि आप काम का दायित्व लें और जैसा चाहते हैं वो प्राप्त करें। मुझे सेनापति का काम करने का तरीका पसंद आया। हाँ, और नहीं रुको।
ध्यान रखना कि ये पत्र इजराइल के राजा को मिले। उसे कहना कि मैं उसके सम्मान में 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े उपहार स्वरूप ला रहा हूँ। अब जाओ और राजा से कहना कि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आपको कैसा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि अराम के राजा ने अपने सबसे महत्वपूर्ण सेनापति को इस तरह क्यों भेजा। क्या वह युद्ध की योजना बना रहा है? अगर आप सुने तो मैं कर सकता हूँ। क्या उसके सैनिक जंगलों में छिपे हैं उसके आदेश की प्रतीक्षा में कि हमारे शहर में घुस आए? वो अपने नौकरों के साथ बड़े उपहार लेकर आया है और उसने ये पत्र भिजवाया है। क्या ये मैं हूँ या वो ओवर रिएक्ट कर रहा है? पत्र मिलने पे जानना कि मैंने नामान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसका कोड दूर कर दे। ये आदमी मेरे पास एक कोड़ी को चंगा करने के लिए भेज रहा है। क्या मैं खुदा हूँ जो जीवन दे और ले सकता है? मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई चाल नहीं है। मैंने स्वयं उस आदमी को देखा है। वो आपके पास आया है क्योंकि आप राजा हैं और भविष्यवक्ता एलिशा आपके राज के तहत है। लेकिन एलिशा, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। राजा ने अपने कपड़े फाड़ डाले। तुम्हें ये संदेश राजा के पास वापस ले जाना चाहिए और कहो कि तू क्यों इतना डरता है। उसे मेरे पास आने दे, तब वो जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता नहीं है। नहीं हो सकता। हो सकता है। नहीं होगा। होगा अगर वहाँ असली ज़ॉम्बीज होंगे। जो वो नहीं है। लेकिन अगर होते तो, और अगर उन्होंने सोचा होता जैसा हमने पहले सोचा था कि नामान भी एक असली ज़ॉम्बी है। जो वो नहीं है। लेकिन अगर एक ज़ॉम्बी सोचता कि वो ज़ॉम्बी है क्रिस, तो वो ज़ॉम्बी यहाँ आकर नामान के आसपास रहना शुरू करता। तुम जानते हो ना ज़ॉम्बीज झुंडों में रहते हैं। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन ऐसा ही होता है। और जल्द ही गलती से ही सही नामान एक ज़ॉम्बी चुंबक बन जाएगा। ज़ॉम्बी सोचेंगे कि वो एक ज़ॉम्बी है और वो अचानक पूरे क्षेत्र से लगातार ज़ॉम्बियों को खींच रहा है, बिल्कुल यहाँ जहाँ मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ, जैसे कि तुम एक स्लाइम स्कीइंग ज़ॉम्बी शोडाउन रेगिस्तान के बीच सो सकते हो। ठीक है, लगता है मुझे पहरेदारी करनी पड़ेगी। हे जॉय, प्रारंभिक ज़ॉम्बी चेतावनी प्रणाली सिखाने लायक क्षण। वो एक ज़ॉम्बी नहीं है, नामन ज़ॉम्बी नहीं है, वहाँ कोई ज़ॉम्बीज नहीं है। सो जाओ। जो भी हो, मुझे तो पहरेदारी ही करनी है रेगिस्तान में, अंधेरे में, रात। नामान ने पूरी सही योजना बनाई है। मेरा मतलब है, देखो, हम पूरी तरह शत्रु की सीमा में हैं। उसने उनके राजा पर उपहारों की वर्षा कर दी है और अब राजा ने मुलाकात की व्यवस्था कर दी है। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। क्या तुम भविष्यवक्ता एलिशा हो? मैं उनका नौकर हूँ। भविष्यवक्ता कहता है, तू जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। क्या सेनापति, वो बाहर आकर मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैंने सोचा वो मेरे सामने खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके अपना हाथ फेरकर मेरे कोड़ को दूर करेगा। आखिर उस अबाना नदी का क्या, या फिर वो परपर नदी? क्या ये दोनों नदियां उन सभी जलाशयों से उत्तम नहीं हैं जो इजराइल में हैं? मैं उनमें स्नान करके शुद्ध हो सकता था। मैं समझा नहीं, एलिशा क्यों बाहर आकर उसे नहीं देखता? वो कोशिश भी क्यों नहीं करेगा? मैं समझा नहीं, वो सुनता क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि वो ये क्यों नहीं करेगा।
वो अपने आप को क्या समझता है जो मुझे देखने से इंकार कर रहा है? उसे तुमसे ऐसा व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। तुम आरामी सेना के सेनापति हो। मैं इतनी दूर पर्वतों के पार से आया हूँ उसके राजा के लिए उपहार लेकर, फिर भी वो आने से इंकार करता है और स्वयं मुझसे बात भी नहीं करता। जाओ इस नदी में स्नान करो, ये उसका उत्तर है मेरे लिए। स्वामी, यदि भविष्यवक्ता ने कुछ बहुत कठिन करने के लिए कहा होता तो क्या आपने नहीं किया होता? इसलिए आपको निश्चित ही उनका पालन करना चाहिए। जब वो केवल ये कहते हैं कि स्नान करके शुद्ध हो जा। मेरा परमेश्वर असली है। जॉय, एलिशा ने जो कहा वो कर रहा है? धन्यवाद प्रभु। ओ, कमाल हो गया। अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़कर और कहीं परमेश्वर नहीं है। स्वामी, क्या अब आप मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? मैं जीवित परमेश्वर यहोवा का दास हूँ और उनकी जीवन की शपथ, मैं तुमसे कोई भेंट नहीं लूंगा। निश्चित रूप से जैसा यहोवा जीवित है, जिसका मैं सेवक हूँ, मैं तुझसे कोई भेंट नहीं स्वीकार करूंगा। ठीक है, लेकिन कृपया मुझे इस धरती की दो खच्चर मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे, वो मैं अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। क्या वो गंदगी क्यों चाहता है? वो इस देश की मिट्टी की इच्छा रखता है क्योंकि वो इसे इसराइल के परमेश्वर की वेदी बनाएगा जिसने उसे चंगा किया है। क्योंकि आगे से मैं यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगा। एक बात, वो यहोवा मुझे क्षमा करे कि जब राजा जो मेरा स्वामी है रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले और मुझे दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा मुझे क्षमा करे। कुशल से विदा हो। नामान,
रिमोन की स्तुति हो, तुम भले चंगे हो गए। रिमोन ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, इज़राइल के यहोवा ने दिया है। शोमरोन में एक भविष्यवक्ता है जो एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करता है, और इस धरती पर मैं एक वेदी बनाऊंगा, और आज से मेरा परिवार केवल इज़राइल के परमेश्वर की आराधना करेगा। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि किस व्यक्ति को आज दोपहर 12 की शिफ्ट का फूड पैंट्री का काम दिया जाए। बस बिग बॉस, मैं स्वयं सब करती हूँ वाला रवैया अब और नहीं। हाँ, अब से मैं उन चीजों को करने की कोशिश बंद कर दूंगी जैसा कि मुझे लगता है कि वैसा करना जरूरी है। लेकिन दोपहर 12 की जगह का क्या जॉय? शायद परमेश्वर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं गिस। यदि नामान जैसा महान सेनापति थोड़ी नम्रता से व्यवहार करना सीख सकता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी वैसा करना सीख सकती हूँ। वो क्या है? ये एक ज़ॉम्बी अटैक है, भागो! ज़ॉम्बी! कोई बचाओ! ज़ॉम्बी! तुम्हारे ज़ॉम्बी रिंगटोन्स डाउनलोड हो गए। हाँ, लेकिन गिज़्मो को ये मालूम नहीं है। ज़ॉम्बी आ रहे हैं, अपना बचाओ करो! वो सब हमारे चारों ओर है। बचाओ! अपना जीवन बचाने के लिए भागो! चुप जाओ! देखो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो, बदलो जीवन और नया करो, जीवन।